हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और अभी अभी थोड़ी देर पहले लगता है मुझे कि एक व्यूअर है हमारे रविचंद्रन एस श्रीनिवासन, इनका कमेंट आया हुआ है, सर ऑन इनवॉइस इट इज नॉट शोइंग जीएसटी परसेंटेज, सो हाउ कैन वी शो द जीएसटी परसेंटेज ऑन आवर इनवॉइस, लेट्स सी। आइए चलिए देखते हैं कि जीएसटी इनवॉइस पर हम अपना जो जीएसटी टैक्स रेट है, चाहे वो सी जीएसटी हो, एस जीएसटी हो, आई जीएसटी हो, वो कैसे शो करा सकते हैं। चलिए एंट्री पास करते हैं। सेल्स वाउचर में मैं एंट्री पास करने वाला हूं, तो यहां वाउचर्स पे आ जाता हूं और यहां पर सेल्स वाउचर में आने के लिए आपको कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करना है, ठीक है। यहां पर कोई भी डेटर पार्टी का लेजर हमने नहीं बनाया, तो यहां पर डेटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्स वाउचर में हम डेटर पार्टी का लेजर लगाते हैं, तो ये तीनों ही क्रेडिटर पार्टियां हैं, हम डेटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, ठीक है। यहीं पर हम लेजर बना पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। यहां पर कर देता हूं वसीम, ये नाम रख दिया हमने वसीम, ठीक है। और यहां लिख देता हूं डी, इट मींस टू से कि ये डेटर पार्टी है। एंटर प्रेस करेंगे और इसे डालेंगे सन्ड्री डेटर में। एस प्रेस कर लेता हूं, एस से संबंधित सारे ग्रुप्स यहां शो हो जाएंगे और आपको यहां पर सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करना है मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। एंटर प्रेस करते हुए इसे करा लीजिए एक्सेप्ट, तो यहां पर करा लेता हूं एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करा लिया और एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। चाहे तो यहां पर आप डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू, किस चीज के थ्रू ये सारा सामान जा रहा है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। आपने नहीं बनाया तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहां लिख दीजिए सेल्स अकाउंट और इसे डाल दीजिए अंडर सेल्स अकाउंट के ग्रुप में और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। मैंने पहले से बना रखा है, इस वजह से मैं इसे ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो भी हम स्टॉक आइटम लेंगे, जैसे सपोज कीजिए हम यहां पर ले लेते हैं राइस, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पे ये 2 किलो राइस ले लिया हमने और फिर यहां पर उसका रेट आ जाएगा 34 रुपए किलो चावल है, तो उसके हिसाब से यहां पर टोटल आ जाएगा, ये टोटल आ गया, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं कोई और स्टॉक आइटम, जैसे हम ले लेते हैं शुगर, ठीक है। तो 8 किलो हमारे पास मौजूद है, 8 किलो हम सेल कर देते हैं, तो 33 रुपए के हिसाब से 8 किलो ये सेल हो गया, 264 रुपए आ गया। अगर और भी कोई स्टॉक आइटम हमारे पास है तो उसको भी ले लेते हैं, जैसे बेसन है 50 किलो, तो बेसन को भी ले लेते हैं यहां से। तो यहां पर बेसन 50 किलो हम सेल कर देना है 120 रुपए के भाव से, तो ये आ गया। ये तीन ही स्टॉक आइटम हम रहने देते हैं और कुल मिलाकर के हमारा जो टोटल अमाउंट बना है 6,332 रुपए, ठीक है। अब यहां पर आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर हमने पहले क्रिएट कर रखा है, 196 रुपए आ गया और एसजीएसटी यहां पर आ गया आपका, ठीक है, और ये भी 196 रुपए आ गया। अब इसको एक्सेप्ट कराना है, नरेशन चाहे तो आप डाल सकते हैं द गुड्स हैज बीन सोल्ड, लिख सकते हैं यहां पे, यहां पे नरेशन में लिख देता हूं मैं द गुड्स हैव बीन, ये लिख दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। और एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये एंट्री पास हो गई, इस एंट्री को कहां जाके देखेंगे, आप डिस्प्ले में जा सकते हैं मोर रिपोर्ट्स पर और यहां से आप आ जाइए अकाउंट्स बुक पर, ए प्रेस कर लीजिए और फिर रजिस्टर में जा सकते हैं। यहां पर सेल्स रजिस्टर में आप चले जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां से एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दोनों एंट्री दिखेगी, एक एंट्री कैश वाली की थी हमने, दूसरी एंट्री हमारी वसीम वाली है, तो यहां पर ये एंट्री हम देख सकते हैं, ठीक है। यहां से आपको शॉर्टकट की अल्ट प्लस पी प्रेस करना है, ठीक है। क्या प्रेस करना है, अल्ट प्लस पी, ये नीचे जो बार लगा हुआ दिखाई दे रहा है, एक लाइन सी दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपको ये की अल्ट के साथ दबानी है, तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए माउस से और नहीं तो अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो टैली प्राइम है ये, इस तरह का एक बॉक्स पॉपअप बॉक्स खुल करके आएगा, आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एक बार और एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये प्रिंट वाली विंडो आ जाएगी, ठीक है। अब यहां हमें क्या करना है, कीबोर्ड से सेटिंग करनी है कुछ, तो आपको F12 बटन करना होगा प्रेस। यहां पर जैसे ही F12 बटन प्रेस करेंगे तो वाउचर डिटेल्स, स्टेटरी डिटेल्स और हेडर इन्फॉर्मेशन आएंगी, ठीक है। मैं आपको हेडर इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले ही बता चुका हूं, अगर आप टाइटल रखना चाहते हैं कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ टैक्स इनवॉइस पर आ गया मैं, डबल क्लिक किया और यहां पर टाइटल हमें देना है, ठीक है। शाइनिंग स्टोरी नाम दे दिया हमने दुकान का, एंटर प्रेस किया और यहां पर ऊपर देख सकते हैं, ऊपर यहां स्टेटरी डिटेल्स में यहां पर आ रहा है शो अ रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम और फिर यहां आ रहा है शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज। तो इनका सवाल यही था कि परसेंटेज में कैसे आएगा, यहां पर आकर के यहां पर देख सकते हैं शो जीएसटी रेट, यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देख सकते हैं, यहां पर पहले यस था अब नो हो गया है, फिर एक बार और एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहां पर यस हो जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस करने से या यस या नो होगा ये, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए फिर नो हो गया,
एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर यस हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कराना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं। चलिए यहां पर जैसे ही आएंगे, अब इसको जूम करके मैं दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर 28% के हिसाब से जीएसटी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का सब टोटल परसेंटेज वाइज भी यहां पर आ रहा है, ठीक है। यहां पर एचएसएन कोड के लिए भी अलग से कॉलम आ रहा है, मैंने उसको भी यस कर रखा है, हालांकि एचएसएन कोड हमने डाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये रेट देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।